नमस्कार, मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने कुरान से 26 आयतें हटाने से जुड़ी एक जनहित याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने जनहित याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटाया जाए। रिजवी के मुताबिक ये खास आयतें मनुष्यों को हिंसक बना रही हैं और आतंकवाद भी सिखा रही हैं। जस्टिस फली नरीमन, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वास्तव में ये एक तुच्छ याचिका है, जब पूरे कुरान में अल्लाह ने भाईचारे, प्रेम, खुलूस, न्याय, समानता, क्षमा और सहिष्णुता की बातें की हैं, तो इन 26 आयतों में कत्ल, गारत, नफरत और कट्टर पंथ बढ़ाने वाली बात कैसे कह सकते हैं। कुरान शरीफ में 30 पारे, 114 सूरतें और 540 रकू हैं। कुरान शरीफ की कुल आयत की तादाद 6,666 है, लेकिन रिजवी ने सिर्फ 26 आयतों का ही जिक्र किया। याचिकाकर्ता ने कुरान की 26 आयतों को देश की अखंडता के लिए खतरा बताया और तर्क दिया था कि मदरसों में इसकी तालीम देकर आतंकवादी बनाए जा रहे हैं। लेकिन जब रिजवी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर पुराना कुरान पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, वसीम रिजवी ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि इन आयतों से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इन 26 आयतों में अत्याचार, धार्मिक उन्माद फैलाने वाली बातों का जिक्र है, ये कथन अल्लाह के नहीं हो सकते, लिहाजा इसे मदरसों में पढ़ाए जाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। वसीम रिजवी ने ये आयतें हटवा कर नया कुरान लिखने की बात कही और इसी नए कुरान को मदरसों में पढ़ाने की अनुमति भी मांगी है। इस सब को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है ये समझना कि कुरान का उदय कैसे हुआ। इस्लाम के आने से पहले कबीलाई संस्कृति का जाहिलाना दौर था। हर कबीले का अपना अलग धर्म था और उनके देवी देवता भी अलग थे। लोगों की जान माल की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। पूरे अरब पर हिंसा का बोलबाला था। इस अंधेरे दौर से दुनिया को बाहर निकालने के लिए हजरत मुहम्मद को पैगंबर बनाकर दुनिया में भेजा गया। इस्लाम का उदय ऐसे समय में एक मानवतावादी धर्म के रूप में हुआ, लेकिन उसके बाद कुरान की अनेक व्याख्याएं होने लगी और यह गतिशील होने के बजाय जड़ता का शिकार होता गया। आज इस्लाम का एक रूप दुनिया में नहीं है, अलग अलग जगह पर मुस्लिम बटे हुए हैं और आपस में ही एक दूसरे का दुश्मन मानते हैं। कुरान जब लिखी गई थी तब से लेकर अब तक दुनिया बहुत बदल चुकी है और दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं जिसमें सुधार आंदोलन ना चले हो, लेकिन इस्लाम के साथ दुर्भाग्य ये रहा कि जिसमें कोई सुधार नहीं हुआ। अगर हम हिंदू धर्म को ही लें तो जब जब समाज में कोई बुराई पनपी तब तब इसमें विचार पनपे और कई सुधार हुए। हिंदू धर्म हमेशा अपने आप को गतिशील बनाए रखने में कामयाब रहा। भक्ति काल इसका जीता जागता उदाहरण है। भक्ति काल एक बड़ा सुधार आंदोलन था जिसमें तुलसीदास, सूरदास, गुरु नानक ने महत्वपूर्ण योगदान दिए। इन्होंने इस्लाम के भी कई अच्छे तथ्यों को अपने लेखन में शामिल किया। आज भी हिंदू धर्म में जाति प्रथा जैसी बुराइयां होने के बावजूद भी सुधार प्रक्रिया जारी है। तुर्क में अतातुर्क और मिस्र के नासिर जैसे अनेक नेताओं ने इस्लाम को उदारवाद की तरफ ले जाने की कोशिश की। एक समय था जब इराक, सीरिया, लेबनान, यमन जैसे कई इस्लामिक देश इस्लाम के कट्टर पंथ के खिलाफ थे, लेकिन पश्चिम के सांस्कृतिक विस्तार के बाद इस्लाम दुनिया में इसकी पहचान का संकट पैदा हुआ, जिसके परिणाम में अरब दुनिया की तमाम उदारवादी धाराएं कमजोर होती चली गई और कट्टर पंथ हावी होता ही चला गया। हाल ही में आई पीके मूवी की बात करें तो जिस तरह इसमें हिंदू देवी देवताओं के बारे में दिखाया गया, अगर इस्लाम के बारे में ऐसा कुछ दिखाया गया होता तो इस्लाम में खतरनाक आंदोलन शुरू कर देते। इस बात का अंदाजा हम इससे भी लगा सकते हैं जब फ्रांस की एक पत्रिका शार्ली एब्दो में पैगंबर मुहम्मद के कार्टून छापे थे। इसको लेकर पूरी दुनिया के इस्लामिक देशों ने हाय तौबा मचा दी थी। हिंदू धर्म एकेश्वरवाद की जगह बहुईश्वरवाद को मानता है। आखिर ऐसा क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हिंदू धर्म का विस्तार जैसे जैसे जहां हो रहा था वहां के लोग जिस भी भगवान को पूछते थे, हिंदू धर्म ने उसे बड़ी ही विनम्रता से
अपना लिया। लेकिन इस्लाम में इसका उल्टा है। इस्लाम में किसी भी चीज की स्वीकार्यता पर पूरी तरह से पाबंदी है। इस्लामिक देशों में कट्टरपंथियों का कब्जा होने के बाद पूरे धर्म को मुल्ला मौलानाओं ने अपने चंगुल में ले लिया। इस्लाम लगातार कट्टरपंथ की तरफ झुकता चला गया, आधुनिक समाज के मूल्यों और वैज्ञानिक प्रगति के रास्ते से भटकता चला गया। इसका परिणाम ये हुआ कि कई देशों में इस्लाम में कई तरह की विकृतियां पैदा हो गई और सुधार के रास्ते संकुचित होते चले जा रहे हैं। इस्लाम को कट्टरपंथ से बचाने के लिए एक बड़े सुधार आंदोलन की सख्त जरूरत है और इसके साथ ही कुरान के संदेशों को इनकी संपूर्णता में समझकर आज की मांग के हिसाब से समझने की भी सख्त जरूरत है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।